तो हेलो नमस्कार राम राम सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो बैक टू बैक जर्नी जो हमारी चल रही है, पहले भीलवाड़ा से जयपुर और जयपुर से न्यू दिल्ली के बाद अभी हम खड़े हैं कौसाम्बी बस डिपो के पास। और अब आज हम जर्नी करने वाले हैं BSRTC की वॉल्वो बस सेवा में, जो कि हमारी जर्नी होने वाली है आनंद विहार टर्मिनल पे। इधर है आनंद विहार टर्मिनल, आनंद विहार टर्मिनल से मुजफ्फरपुर के लिए, और ये बस जाती है आनंद विहार कौसाम्बी बस डिपो के पास से दरभंगा के लिए। तो जरा सा भी वेट नहीं करना है गाइज, बस हेडफोन लगाइए और 15 मिनट के लिए बुक हो जाइए। जी हाँ, मेरी जर्नी होने वाली है 17 से 18 घंटे की, लेकिन आपके लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट। हमारी बैक टू बैक जर्नीज रेडी है, तैयार है, तो जरा सा भी वेट नहीं करते हैं। पहले बस के एक्सटीरियर को एक्सप्लोर करते हैं, फिर एक्सप्लोर करेंगे इसके इंटीरियर को। खत्म हो गया था हमारा तो पूरा खत्म है। अरे भैया लोकल पर 3 दिन चले थे।
तो गाइस लगभग ढाई घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंच चुके हैं वृंदावन और यहां पे हमारी गाड़ी की पेट्रोल फ्यूलिंग चल रही है। बात करें अभी तक की जर्नी की तो काफ़ी स्मूथ रही जर्नी और सबसे ज़्यादा मज़ेदार रहा ड्राइवर दादा का सॉन्ग का सलेक्शन काफ़ी अच्छा था और काफ़ी स्मूथ ड्राइविंग है अभी तक की। बात करें इसकी मैक्सिमम स्पीड कैपेसिटी की वो है 80 किलोमीटर पर आवर। इनकी जो स्पीड कैपेसिटी है वो मैक्सिमम कैपेसिटी पे लॉक रहती है, मतलब कि 80 किलोमीटर्स के ये ऊपर एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं। शाम के बज गए हैं 6 और हम पहुंच चुके हैं आगरा। यहाँ पे हमने लिया है एक डिनर हॉल्ट जो कि लगभग ताज एक्सप्रेसवे और एक्सप्रेसवे को छोड़ के थोड़ा सा अंदर आए थे। जब ये थोड़ा सा अंदर आई उस समय मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था, लेकिन जब मैं यहाँ पे उतरा हूँ और यहाँ का मतलब फैसिलिटीज़ देख के आया हूँ वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। हम रुके हैं आगरा के व्यंजन ढाबे पे और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है देखने में भी, खास करके बात करें खाने की। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है वो है वॉशरूम्स की। बस जर्नी के दौरान एक वॉशरूम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, काफ़ी हाइजेनिक लगा मुझे यहाँ का वॉशरूम, हैंड वॉश भी थे, पूरी क्लीन थी। चलते हैं इसकी मेन्यू देखने और मेन्यू देख के पता करते हैं कि खाने में एक्चुअली क्या क्या है। उससे पहले आपके लिए एक चीज़ मैं इंफॉर्मेशन दे दूँ कि यहाँ पे BSRTC बस में जो भी बंदे ट्रैवल्स कर रहे हैं ट्रैवल, उनको जो थाली खाने की जो पूरी थाली होती है वो मिलती है 110 रुपये में। तो दोस्तों रेस्टोरेंट देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब इसकी मेन्यू देखने की बारी है कि मेन्यू कैसा है इसका। तो बिना भी देरी किए चलते हैं अंदर की तरफ। तो गाइस ये है इसकी मेन्यू और हमारे साथ हैं जो कुछ पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं, तो पहले उनसे पता करते हैं कि टेस्ट कैसा है। आपने क्या लिया है? सादा थाली। हाँ सादा थाली है। और खाना कैसा है इसका टेस्ट? बहुत अच्छा टेस्ट। तो गाइज मैंने ऑर्डर किया है यहाँ पे एक सादी वेज थाली। वेज थाली बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ शायद नॉनवेज मिलता नहीं है। कोई बात नहीं, साथ इन्होंने दिया है जो मुझे, पहले तो रायता है, थोड़ी सी चावल, 4 बटर रोटी तंदूर में, 1 दाल फ्राई और ये क्या पनीर की सब्ज़ी, आलू आलू मटर की सब्ज़ी है, मतलब पनीर इंक्लूडेड नहीं है। कोई बात नहीं, वैसे भी हैवी डाइट लेना नहीं है कुछ। तो थाली काफ़ी अच्छी है और रेस्टोरेंट मतलब अंदर से अगर देखें ना तो रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। खाना कैसा लगा? अच्छा लग रहा है? खाना तो अच्छा लगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, हम तो होटल के मालिक की तरह हैं, आप पूछते हैं आपको कोई दिक्कत है तो बोलिए भैया। तो आपने ढूंढा कैसे इस होटल को? इस होटल को ढूंढा कैसे आपने? होटल को अभी रोड में चलते हैं, सबको ढूंढते हैं। ये हमारे मालिक है होटल की, ब्रजेश भैया जी। अच्छा, कोई दिक्कत हो कभी भी हो, पैसा नहीं भी होगा तो भी खाना खिलाएंगे। तो चलिए हो गए हैं तैयार, डिनर हो गया है संपन्न और हम निकल चुके हैं अब अपने गंतव्य की ओर, अपने डेस्टिनेशन टुवर्ड्स बिहार एंड BSRTC। और बात करेगा ड्राइवर की तो हमारे ड्राइवर दादा भी बदल चुके हैं, तो काफ़ी मतलब मज़ेदार लग रहा है देखने में, तो काफ़ी मज़ेदार। तो इसके बाद हम एंटर कर जाएंगे ताज एक्सप्रेसवे पे इस टोल के बाद जो कि कनेक्ट करेगी आगरा को लखनऊ से। तो गाइज अभी हम ले रहे हैं कैबिन राइड और थोड़ी देर बाद हम चले जाएंगे आराम करने के लिए, क्योंकि बैक टू बैक जर्नीज करना काफ़ी हेटिक हो जाता है। फिलहाल आप लोगों के लिए कैबिन राइड और लीजिए कैबिन राइड का मज़ा रात की जर्नी का ऑन द ताज एक्सप्रेस वे।
गाइस यहाँ पे हमने छोड़ दिया है एक्सप्रेस वे, जो कि देख सकते हैं अब ऊपर जा रहा है और हम आ रहे हैं अंदर लखनऊ की तरफ, क्योंकि हमारी बस जाएगी लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर। तो रात के बज गए हैं 2 और हम पहुंच चुके हैं बाराबंकी। यहाँ पे इन लोगों ने लिया है सेकंड रेस्ट स्टॉप, जो कि लगभग ओके है, कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं है। और मैं ले रहा हूँ 1 कप चाय। तो इस चाय के साथ साथ चलिए बात कर लेते हैं अब इनके फेयर। तो इनकी जो फेयर है वो है आनंद विहार से दरभंगा तक की 1500। अगर आप BSRTC के साइट पर जाके आप ये काम करते हैं तो, टिकट अगर बुक करते हैं तो। अदर वेबसाइट्स की अगर बात करें तो सबके अपने अपने ऑफर्स रहते हैं। मैंने टिकट बुक किया था redbus.in से और वहाँ पे मुझे इसकी टिकट मिली आनंद विहार से दरभंगा तक की 1275 रुपये की। तो चलिए बस हो गई रेडी यहाँ से चलने के निकलने के लिए। मिलते हैं आगे अगले रेस्ट स्टॉप पे, और इससे आगे पड़ने वाला अयोध्या, तो थोड़ा सा अयोध्या से क्रॉस करते हुए उसका रोड व्यू ज़रूर लेंगे। यह अयोध्या बाईपास। देवी और सज्जनों नमस्कार। सुबह के बज गए हैं 5 और हमने ले लिया है अपनी जर्नी का तीसरा रेस्ट स्टॉप। हम अभी खड़े हैं लगभग 800 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके गोरखपुर बाईपास पे, और यहाँ आने में हमें जो समय लगा है वो लगा है लगभग 15.5 घंटे का। अगर मैं इस रेस्ट स्टॉप के बारे में बात करूँ तो इसके बारे में कुछ बात ना ही करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए चलते हैं और यहाँ से अपनी जर्नी शुरू करते हैं दरभंगा की ओर। फ्रेश नहीं हुए अंकल, फ्रेश नहीं हो पाए क्या? हाथ की ब्रेक है, ये देखो गाड़ी कंट्रोल हो जाएगी, ये देखो बिना ब्रेक से देख लो, पैरों में कोई ब्रेक नहीं है, गाड़ी कंट्रोल हो गई। हैंड ब्रेक से? या हैंड ब्रेक नहीं है, रिटार्डर, रिटार्डर, ये देखो रिटार्डर पकड़ता है गाड़ी, ये देखो जाम कर देगा। हैंड ब्रेक तो ये है। अच्छा, इसमें 3 स्टेप होते हैं और ये ऑटोमेटिक सेट करने के लिए एक्सीलेटर। अभी देखो मेरा एक्सीलेटर पैर के ऊपर, एक्सीलेटर नहीं दे रहा है, ये हटाई, ये हटाई, ये हटाई, ठीक है, पैर से नहीं दे रहे। हाँ देखिए, हाथ से एक्सीलेटर दे रहे हैं, अपने आप गाड़ी पे जम्प नहीं रही। और रिटार्डर कौन सी थी? रिटार्डर ये है, ये रिटार्डर है, ये देखो कंट्रोल हो रही, देखो
बस रुक जाए। बढ़िया, इसमें है क्या नहीं ये पूछो आप। इसको तो हम चौकड़ी मार के भी टांग के ऊपर रख के भी चला सकते हैं। हाथ में ब्रेक, हाथ में एक्सीलेटर, सब कुछ। तो चलिए पहुंच चुके हैं बिहार। ये जो बसें देख रहे हैं ना, ये सारी पकड़ी हुई है, इनमें निकला था कभी ना कभी दारू। ये देख लो, ये पकड़ी रखी पड़ी है ढेर सारी, और इनको हो गया टेढ़ा। तो चलिए हमारी हो गई है जर्नी कंप्लीट, और हम उतर चुके हैं फिलहाल मुजफ्फरपुर। तो गाइस, यूनिक कपल की जोड़ी पहुंच चुकी थी मुजफ्फरपुर, और बात ये है कि एक वीडियो हमसे हो गई डिलीट गलती से, और मैं इस पूरी बस जर्नी की आपको अच्छे से रिव्यू नहीं दे पाया। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रिव्यू दूंगा कि ये बस बहुत अच्छी लगी मुझे। फिलहाल जिन लोगों की कैपेसिटी है इतने देर बैठने की, वो ज़रूर ये बस जर्नी कर सकते हैं। बात करें इनके रेस्ट स्टॉप्स की, तो पहली रेस्ट स्टॉप जो हमने आगरा में ली थी वो काफ़ी अच्छी लगी। दूसरी जो हमने बाराबंकी में ली थी उसको आउट ऑफ 10 मैं 7 कह सकता हूँ, बट तीसरी मैं बात ही नहीं करना चाहता। बात करते हैं स्टाफ बिहेवियर्स की, इट वॉज रियली वेरी गुड, कोऑपरेटिव थे, अच्छा लगा मुझे हर चीज़। तो चलिए मिलते हैं अगले ट्रिप में।